बानी, तुम इस वक्त रेस्टोरेंट में क्यों नहीं हो? These are working hours. मिस्टर वालिया, मैंने जॉब से रिजाइन करने का फैसला किया है. आप इस जॉब के लिए किसी ऐसे शख्स को अपॉइंट कीजिए जिस पर आपको भरोसा हो. अगर तुम्हें रिजाइन करना है तो ठीक है, लेकिन ऑफिशियल काम करने के लिए ऑफिशियल तरीके होते हैं. तुम ठीक 11 बजे मुझे ऑफिस में मिलो अपने रेजिग्नेशन लेटर के साथ. What do you think of yourself, Mr. Walia? क्या अभी कोई कसर बाकी रह गई है? क्या आप एक बार फिर रेस्टोरेंट में सबके सामने मेरी दीदी को बेइज्जत करना चाहते हैं? शांत रहो पिया. ठीक है मिस्टर वालिया, मैं आपकी ऑफिस ठीक 11 बजे पहुंच जाऊंगी. गुड, सो आई सी यू देयर. बिकॉज ऑफ द फिनोमिनल सक्सेस ऑफ आवर रेस्टोरेंट, मैं इस नतीजे पर पहुंचा that we now need to open an entire chain of Walia restaurants throughout the city. इस शहर के हर हिस्से में हमें अपने रेस्टोरेंट्स खोलने चाहिए. इसके बाद धीरे धीरे इस शहर के बाहर दूसरे शहरों में भी हमें अपने रेस्टोरेंट्स खोलने चाहिए. इस काम के लिए हमें एक केपेबल, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग इंसान की जरूरत है. इस जिम्मेदारी को निभाया कौन? कम इन. मिस्टर वालिया, ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है. आपने मेरी जो भी हेल्प की है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. रेजिग्नेशन एक्सेप्ट. थैंक यू सर. मिस दीक्षित, आपकी रेजिग्नेशन वेट्रेस की पोस्ट के लिए एक्सेप्ट हुई, ताकि आप इसी वक्त अपने नई पोस्ट के लिए काम शुरू कर सकें. क्या कहा आपने? वही जो आपने सुना. लेडीज एंड जेंटलमैन, विद इमीडिएट इफेक्ट, मिस बानी दीक्षित को GM की पोस्ट के लिए अपॉइंट किया जाता है. इस मौके पर मैं आप सब से एक और बात करना चाहूंगा. रेस्टोरेंट में से जो पैसे गायब हुए, उसका झूठा इल्जाम मिस बानी दीक्षित पर है. पूरी सच्चाई जाने बिना मैंने भी इस बात का यकीन कर लिया. आई वॉज रॉन्ग एंड आई एक्सेप्ट. मिस दीक्षित, छोटे इंसान अपनी गलतियों की माफी बंद कमरों में मांगते हैं, लेकिन जो गलती सबके सामने करता है उसे माफी भी सबके सामने मांगनी चाहिए. बानी, मुझे माफ कर दो. मैं चाहता तो तुमसे माफी आज सवेरे आउट हाउस में भी मांग सकता था, लेकिन उससे मैं तुम्हारे आत्मसम्मान को और ज्यादा ठेस पहुंचाता. किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करने का हक किसी को नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ये प्रमोशन अपनी गलती के लिए नहीं दे रहा, तुम्हारी काबिलियत के लिए दे रहा हूं. यू डिजर्व इट. मुझे तुम पर पूरा भरोसा है. बट आई डोंट वॉन्ट यू टू फील एनी प्रेशर. ये प्रमोशन एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना तुम्हारे हाथ में. एक्चुअली मैं तुमसे मिलना चाहती थी. मैंने बहुत सोचा. सुबह जो कुछ भी तुमने कहा मेरी उस हरकत के बारे में, सो आई वॉन्ट टू नो मेरी गलती कितनी कीमत होगी. जो भी तुम्हें सही लगे. Blue jeans and a red pullover.
Excuse me. Blue jeans and a red pullover. तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए ब्लू जीन्स? मेरे लिए नहीं, आपके लिए। जय वालिया के साथ इस तरह की बात, शायद इस लड़की को अपनी जान प्यारी नहीं। क्या आपने कभी सोचा है आप किस किस्म के कपड़े पहनते हैं? एक्चुअली आपकी ड्रेस सेंस आपकी एज से बिल्कुल मैच ही नहीं करती। अपनी एज से एटलीस्ट 10 साल बड़े लगते हैं आप। बेचारे, लगता है बानी की प्रमोशन तो गई। ब्लू जीन्स और रेड पुलोवर पहन के तो देखिए मजा आ जाएगा। आपकी गलती की यही सजा है। बोलिए, मंजूर है? ये लड़की शायद जानती नहीं कि जय वालिया तो पैदा भी सूट में हुआ था। यंग लेडी, मेरे सारे कपड़े प्रोफेशनल डिजाइनर्स। डिजाइनर ने तो सारा डिजाइन ही खराब कर दिया। आप मेरी बात तो मानिए, एक बार ब्लू जीन्स और रेड पुलोवर पहन के तो देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। बाय। अब गोली की आवाज आएगी और हम सब ढेर हो जाएंगे। एक्चुअली आपकी ड्रेस सेंस आपकी एज से बिल्कुल मैच ही नहीं करती। अपनी एज से एटलीस्ट 10 साल बड़े लगते हैं आप। मेरे बारे में सोच रहे थे ना? सोनाली, वो मैं... It's okay. सोचते सोचते कहीं तुम ये तो नहीं भूल गए कि हमें रवि और प्राची के वेडिंग लंच पर जाना है? I'm sorry. मैं वाकई भूल गया। कहीं इसी तरह मुझे तो नहीं भूल जाओगे? आप लोग तो हमेशा भूल जाते। By the way, I'm sorry. कहीं मैं गलत वक्त पे तो नहीं आ गया? आप लोग इसी तरह मुझे कब तक दूसरों के वेडिंग लंचेस पे खाना खिलाते रह जाएंगे? अपना वेडिंग लंच कब खिलाएंगे? We should leave, it's getting late. You know, Sonali, in this world, some people are nuts and some are coconuts. हमारे जय जो है वो कोकोनट है। ऊपर से कभी नहीं पता लगता कि उनके अंदर क्या जम रहा है, मलाई जम रही है या पानी हिल रहा है। चले चले। मिस्टर वालिया को अपनी गलती का एहसास तो है, लेकिन ना जाने दी क्या करेंगी। दी, आपने रिजाइन कर दिया? हाँ पिया, और मेरा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट हो गया है, पर मिस्टर वालिया ने मुझे मैनेजर की जॉब के लिए अपॉइंट किया है। दी, यू डिजर्व इट। थैंक्स। पर एक और बात है, आज एक दोस्त ने मुझे अपनी पार्टी के लिए इनवाइट किया है। दीदी, मैनेजर का जॉब और फिर पार्टी, एक खुशी की खबरें आप मुंह लटका कर क्यों दे रहे हैं? तुम जानती हो ना रानू, मैं पार्टीज में बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। लाइफ सिर्फ 24 घंटे काम करने के लिए नहीं होती, आपको थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए। दी, मुझे तो कभी बुलावा नहीं आता, लेकिन आप इस पार्टी में जरूर जाएंगी। नहीं भी, आप तुम जानती हो ना रानू की तबीयत। दीदी, मेरी तबीयत का बहाना करने की कोई जरूरत नहीं है। आप पिया को लेकर पार्टी में जाओ, मैं दवाई खा के चैन से सो जाऊंगी। पिया, तुम मेरे साथ पार्टी में चल रही हो। मैं अभी आई। अरे, इस वक्त कौन आया होगा? दी, मैं देख के आती हूँ। यस यस, आई मीन आपकी तारीफ। मेरी तारीफ? अरे, मेरी तारीफ जितनी भी करो उतनी कम है यहाँ। तू तो पूरी करीना कपूर लग रही है। लोग कहते थे जवानी मैं भी वैजयंती माला लगती थी, अब तो सबकी दादी लगती है।
वो दादी मेरी माँ है. She's a little different. लेकिन माँ हो तो ऐसी. रानो से मिलने आई. वो बहुत अच्छी है. मुझे करीना कपूर कहा. मुझे तो वो संजीव कुमार कहती है. चले जीते रहे जीते रहे पुत्र जीते रहे. पुत्र रानी मुखर्जी, करीना कपूर और ये प्रीति जिंता और वहाँ पर ललिता पवार, कसम से मजा आ जाएगा. और पुत्र सुन तो, मैं तेरे को गलता सुन. अरे पुत्र मैं तुझे एक फिल्मी तरकीब बताऊँ. देख सवेरे उठते ही दो सीढ़ी मिथुन चक्रवर्ती दे और रात को सोने से पहले दो सीढ़ी रजनीकांत की देख ले. बस सब कुछ ठीक हो जाएगा. फिट हो जाएगी तू. दीदी मुझे फिर से हॉस्पिटल नहीं जाना. अरे हॉस्पिटल जाए तेरे दुश्मन. अरे पुत्र तुसी जाओ जाओ. हाँ ऐश करो जाके. तुम्हारे अलाउंसेस बंद. इस घर और इस कंपनी की किसी चीज से अब तुम्हारा कोई वास्ता नहीं रहा. Oh no. ये यहाँ भी आ गई. No problem. तेरा हिसाब अभी पूरा कर देते. छोड़ ना यार, ये पुष्कर की पार्टी है और अगर कहीं जैंगल को पता लग गया तो पता नहीं क्या करेंगे. Just chill. Let's have some fun. हाय वानी. हाय दी. अपनी जया और वो भी यहाँ मुंबई में. माय गॉड बी, चलो जाके डांस करते हैं. यहाँ का म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. नहीं पिया, ये पार्टी का म्यूजिक सुन के पता नहीं मेरे सिर में दर्द हो रहा है. तुम जाओ. ओके ठीक है, लेकिन अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो रिमेम्बर पिया ऑलवेज देयर. बस इशारा कर देना. ओके कम ऑन जया, लेट्स गो एंड डांस. Hi, Bunny. तुम्हें यहाँ देखकर, I'm feeling good. But I'm not feeling good. अपनी पार्टी में सबसे लेट? अभी तो सिर्फ 12 बजे. मैं तो जल्दी आ गया. मेरी पार्टी आधी रात के बाद शुरू होती है. पता नहीं पुष्कर, इस पार्टी के माहौल में दम सा घुटता है और अब तो सर में भी दर्द है. चलो मैं कुछ करता हूँ. कम मैडम है उधर, उनकी कुछ तबीयत खराब है. हाँ सर, सर में दर्द हो रहा है. सर दर्द की गोली लाने जा रहा हूँ. गोली? जी सर. मैडम आपके सर दर्द की दवाई इस पानी में मिला दी है. थैंक यू. यू वेलकम. पुष्कर मैंने अपनी दवाई ले ली है. I'll be fine. तुम पार्टी एंजॉय करो. आयशा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना. ओके टेक केयर. ये मेरी ड्रेस को क्या हुआ? ये सब किसने किया?
आप को समझते क्या हो? हाँ वही जो मैं हूँ। एनी प्रॉब्लम? मैं जानती थी कि तुम, साहिल और तुम्हारे सारे दोस्त उसी चीप मेंटालिटी के लड़के हैं। तुम्हारे इन चीप बातों का मतलब क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ड्रेस को पहनना इससे काटने की? What the hell are you talking? क्या क्या करते हो इसका? हाँ इससे केक तो नहीं काट सकते, लेकिन अगर तुम यहाँ से गई नहीं ना तो तुम्हारा गला जरूर काट सकता हूँ। हैप्पी प्लीज एक्सक्यूज मी। ये बानी कहाँ चली गई? बानी को कहां लेकर जा रहा कहा था ना डूड, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। पानी की ड्रिंक में नींद की गोली मिलाने के लिए सिर्फ एक वेटर को ही तो टिप करना था। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर किसी ने देख लिया तो? रिलैक्स, इन्हीं लड़कियों की वजह से तुम्हारे अंकल ने तुम्हारी इंसल्ट की थी ना, बस अब देखना मैं इस लड़की का ऐसा MMS बनाऊंगा कि हे वाओ व्हाट फन। यस यू आर राइट साहिल। साहिल बानी लड़की की ड्रिंक में कुछ मिला दिया होगा और अब जब वो होश में नहीं है तो तुम उसे ले जाकर, छी मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी कर लोगे और कोई तुम्हें नहीं रोकेगा? मैं तुम्हें रोकूंगी। एक लड़की को ताकत दिखाकर हासिल करने में मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर कोई अपनी ताकत मुझ पर आजमाए उसे रोकना मुझे आता है। तुम्हें क्या लगा मैं उस लड़की का रेप करने वाला हूं? जो दिमाग में भरा है ना वही सोचती हो? सोचो, जो जी में आए सोचो। आई डोंट केयर, मैं उस लड़की को लेकर जा रहा हूं। रोक सको तो रोक लो। एंड यू नो व्हाट, इस वक्त तुम्हारे सबसे करीब मैं हूं और अगर मैं चाहूं तो एक सलाह दो तुम्हें। खूबसूरत और स्मार्ट लोग वो होते हैं जो अपना हाथ पांव नहीं अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। खूबसूरत तो तुम हो ही, थोड़ा अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लो। दीदी